the first practical which we will be having in physical pharmaceutics is to determine the solubility of a given substance at a room temperature. Rajit, jab hum here in practical we will be taking solid and liquid solution as an example. So I will be talking here to about a solid and liquid solutions only. So whenever I want to determine the solubility of a solid in a liquid, I have four different steps जो मुझे follow करने पड़ते हैं और जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या important consideration है जब आपने एक particular solid की solubility find out करनी है. For example, वही example लेते हैं sodium chloride की. मैंने आपको experiment दे दिया, practical दे दिया कि you have to find out the solubility of sodium chloride into water. ठीक है राजे, तो आप क्या करोगे इनिशियली, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे और कहाँ कैसे आप उसको रिपोर्ट करोगे, दैट वी विल बी डिस्कसिंग ओवर हियर. सो द फर्स्ट स्टेप व्हाइल कंप्यूटिंग अ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द सिलेक्शन ऑफ अ ड्रग मीडियम एंड एक्सपेरिमेंटल कंडीशन. सो द फर्स्ट स्टेप विल बी कि मैं अपना सोल्यूट फिक्स कर लूँ, किसके बारे में मैंने सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है, किस सॉल्वेंट में मैंने सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है और क्या कंडीशंस होगी. कंडीशंस में वी कैन नॉट ऑल्टर द प्रेशर एट रूम कंडीशंस, एट लैब कंडीशंस. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच आई विल बी टेकिंग हियर विल बी माय टेम्परेचर. सो आई विल फर्स्ट इंश्योर कि जो मेरा सोल्यूट और सॉल्वेंट मैंने सिलेक्ट किया है दे आर प्योर, है ना. मेरे वाटर में पहले से ही इम्प्योरिटीज तो नहीं प्रेजेंट जिससे मैं कोई और चीज़ की सॉल्युबिलिटी चेक कर रही हूँ उसमें वो इंटरफियर कर सकता है. कोई सब्सटेंस ऑलरेडी उसकी कैपेसिटी को यूज़ तो नहीं कर रहा, है ना. तो मेरी जो सॉल्युबिलिटी रिपोर्ट होगी दैट विल बी एरोनियस. ओके, सेकेंड आई हैव टू इंश्योर कि जो मैं अपना सोल्यूट और सॉल्वेंट यूज़ कर रही हूँ उस पर्टिकुलर टाइम उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दैट इज स्टेबल, उसकी कोई डिग्रेडेशन तो नहीं हुई. तो अगर मैं डिग्रेडेड सोल्यूट और सॉल्वेंट यूज करूंगी तो जो मेरी रिपोर्टेड सॉल्युबिलिटी होगी दैट विल बी एरोनियस. द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें एड ऑन करनी है कि आई हैव टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द टेम्परेचर ऑफ माय लैब ऑन दैट डे ऑन व्हिच आई एम रिकॉर्डिंग द सॉल्युबिलिटी. क्योंकि अगर थोड़ी सी टेम्परेचर में वेरिएशन होगी नाउ वी कैन अंडरस्टैंड देयर विल बी चेंज इन सॉल्युबिलिटी. द सेकेंड स्टेप विल बी प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. मैंने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रही हूँ. सैचुरेटेड सोल्यूशन आप दो तरीके से बना सकते हो. क्या करो, या तो सॉल्वेंट में एक्सेस ऑफ सोल्यूट डाल के आप स्टरिंग पे रख दो सॉल्वेंट को सेवरल आवर्स के लिए एट अ रिक्वायर्ड टेम्परेचर अंटिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड. You can adopt this method if your solute is very cheap. अगर आपका solute बहुत cheap है, it is not costly, है ना, तो आप इस method को use कर सकते हो. For example, हम sodium chloride की बात कर रहे थे, sodium chloride is very cheap, you can get it easily. तो आप excess of salt डाल के पानी में रख सकते हो और उसको stirring पे रख दो काफ़ी देर के लिए until equilibrium is attained and you can have a saturated solution. In the cases where you have a very costly solute, जहाँ आपका solute sodium chloride ना होके कोई costly drug है, है ना, जो जिसकी availability आपके लिए कम है और जो आपको बहुत कम available है, बहुत costly है, उस case में आप क्या करोगे, you will add small small quantity of your drug at regular interval. For example, आपने fix कर लिया कि I will add 10 mg of the drug in the first step, उसको मैं dissolve करूँगी. Then I will add 10 mg more until एक situation आएगी, एक condition आएगी जब first 10 mg जब मैंने add किया था जितनी speed से वो solution में गया था अब उसकी speed जो है वो reduce होनी start होगी. That case what I will do is I will warm up my solution a little bit, थोड़ा सा warm करूँगी ताकि वो जो solution के बनने की speed है वो मेरी fast हो जाए, है ना. I will add more 10 mg and I will wait वो point जहाँ पे मेरा नीचे थोड़ा बहुत solute जो है वो settle होना start हो जाए. Then I will again cool my solution. जब मैं उसको cool करूँगी I will get a saturated solution because जो मेरा excess में गया होगा it will get precipitated.
The सेकेंड मेथड इज कंपेरेटिवली फास्टर देन द फर्स्ट मेथड. फर्स्ट मेथड में आपको स्टरिंग जो है वो नियरली 24 आवर्स तक रिपीट करनी पड़ती है. सो इफ यू प्लान टू फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट टुडे, आपको उसके रिजल्ट्स कल मिलेंगे क्योंकि मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कल मिलेगा, है ना. आई वांट कि मेरे सॉल्यूशन का इक्विलिब्रियम अटेन. दिस मेथड इज कंपैरेटिवली फास्टर बिकॉज आई एम एडिंग द टेम्परेचर फैक्टर. मैं टेम्परेचर राइज करने से फासन अप कर रही हूँ अपने प्रोसेस को ताकि मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन जल्दी मिल जाए. सो द थर्ड स्टेप विल बी, ये मेरे दो स्टेप हो गए. फर्स्ट स्टेप हो गया, मैंने अपने सारे कंपोनेंट सिलेक्ट किए, उनको उनकी प्योरिटी इंश्योर की, उनकी डिग्रेडेशन इंश्योर की कि कोई नहीं हुई हुई. नेक्स्ट आई एम इंश्योर्ड कि मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा है बाय एनी टू वेज जो मेरे पास हैं. दोनों की मेरिट्स डीमेरिट्स हैं मेरे पास. द थर्ड स्टेप विल बी, नाउ आई एम हैविंग अ सॉल्यूशन इन विच आई हैव अ सॉल्यूशन एट द टॉप एंड सम undissolved solute at the base. अब अगर मैंने solubility find out करनी है, मुझे ये undissolved solute को separate out करना पड़ेगा. Separate out करना जब भी हमारे mind में आता है, the first thing which comes into our mind is filtration. कि क्यों ना हम इसको filter करते है ना. Filtration is very easy, आप easily उसको filter कर सकते हो और जो undissolved है उसको आप separate out कर सकते हो. What you have to keep in mind while performing the filtration step is, number one, you have to ensure कि जो आपकी assembly है use कर रहे हो आप filtration के लिए वो उसी temperature पे हो जिस temperature पे मैंने solubility find out करनी है. ठीक है. For example, if I am planning to find out solubility at 35 degree Celsius, but मेरी assembly room temperature पे 25 degree Celsius पे थी, 35 पे I know 25 से ज़्यादा drug मेरी solubilize होगी, है ना. सो इफ आई फिल्टर अ 35 डिग्री सॉल्यूशन फ्रॉम अ 25 डिग्री सेल्सियस असेंबली, तो मेरी जो ड्रग को सॉल्यूशन फॉर्म में रहना चाहिए था दैट विल गेट प्रेसिपिटेट आउट. एंड व्हाट आई विल गेट, आई विल नॉट गेट माय सैचुरेटेड सॉल्यूशन एज अ फिल्ट्रेट, बट आई विल गेट अ सब सैचुरेटेड सॉल्यूशन एज अ फिल्ट्रेट. ठीक है. तो मेरे रिजल्ट जो होंगे वो रेड्यूस होंगे. सेकेंड, आई हैव टू इंश्योर कि मेरे कंपोनेंट्स ऑफ माई फिल्ट्रेशन असेंबली they must not interact with either my solute or my solvent. So the last step is determination of concentration of drug in solution by analytical method. Now I have filtered out my solution, है ना. मैंने अपना सोल्यूशन को फिल्टर आउट कर लिया है. अब मैंने एनालाइज करना है कि उसमें कितना सोल्यूशन सोल्यूट मेरा गया, है ना. वो एनालाइज करने के लिए राजी आई हैव डिफरेंट डिफरेंट मेथड. द फर्स्ट इज द ग्रेविमेट्रिक मेथड इन विच व्हाट आई विल डू इज आई विल इवेपोरेट द सॉल्वेंट जो मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में था और जो नीचे रिमेनिंग अमाउंट है मेरी सॉल्यूट की जो मुझे सॉलिड मिलेगा. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था, उसमें मैं वाटर को इवेपोरेट कर दूंगी, नीचे क्या बचेगा सोडियम क्लोराइड, उसको मैं वे कर सकती. सेकेंड इज द वॉल्यूमेट्रिक मेथड. वॉल्यूमेट्रिक मेथड, आपके पास सोल्यूशन है, यू हैव डन एसिड बेस टाइट्रेशन. इफ यू डू द टाइट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूशन विद अ पर्टिकुलर टाइट्रेटिंग एजेंट, यू कैन फाइंड आउट कि वॉट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज इन योर सोल्यूशन. द थर्ड मेथड इज द फिजिकल मेथड. ईदर यू नोट द कंडक्टिविटी ऑफ योर सोल्यूशन, आप उसको जो स्टैंडर्ड कंडक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशन पे मिली होती है उससे इंटरप्रेट कर सकते हो. यू चेक द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ योर सॉल्यूशन, यू चेक द रेडियो एक्टिव इंडिकेटर में बाय यू कैन चेक द कंसेंट्रेशन ऑफ योर यू नो सॉल्यूट बाय यूजिंग सम फिजिकल मेथड जिसमें आपको इक्विपमेंट यूज कर रहे हो. एंड यू कैन चेक द कंसेंट्रेशन बाय गोइंग थ्रू द स्टैंडर्ड कंडीशन स्टैंडर्ड कर्व्स विच यू आर ऑलरेडी हैविंग फॉर दैट पर्टिकुलर. ठीक है राजी. सो इन रिक्वायरमेंट्स फॉर द एक्सपेरिमेंट आई रिक्वायर अ मेजरिंग बैलेंस. मुझे बहुत सिंपल ऑपरेटर्स चाहिए, मेजरिंग बैलेंस चाहिए. ईदर यू कैन यूज डिजिटल और यू कैन यूज एनालिटिकल डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट. यू नीड अ बीकर, यू नीड अ ग्लास स्टरर, यू नीड सम केमिकल्स फॉर द स्टडी. इन आर प्रैक्टिकल वी विल रिक्वायर सोडियम क्लोराइड एंड डिस्टिल्ड वाटर. So in procedure, first I will clean my apparatus completely. I will report the room temperature of the day. Room temperature report करने के लिए राजे क्या procedure होता है, आप एक beaker लो, beaker में आप water डालो और water में thermometer डाल के रख दो जैसे ही lab में add कर एंटर करते हो. ठीक है.
जैसे लैब लीव करोगे आफ्टर 3 आवर्स, जस्ट नोट द टेम्परेचर ऑन दैट थर्मोमीटर, दैट विल गिव यू द टेम्परेचर ऑफ रूम टेम्परेचर ऑफ योर लैब ऑन दैट पर्टिकुलर डे. सो फॉर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स आई ऑलवेज मोटिवेट माई स्टूडेंट्स कि कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हो ये टेम्परेचर जरूर आपने नोट करना है, क्योंकि टेम्परेचर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, ड्रग्स की प्रॉपर्टीज पे, बहुत एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट्स पे बहुत इन्फ्लुएंस डालता है. सो इट इज बेटर टू रिपोर्ट द यू नो टेम्परेचर ऑफ योर लैब ऑन दैट डे जिस दिन आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं. यू विल ऐड 100 ml ऑफ वाटर इनटू द बीकर एंड जैसे मैंने कहा थोड़ी थोड़ी ड्रग वे करके उसमें ऐड करनी स्टार्ट करोगे. हियर वी विल फिक्स द अमाउंट टू 200 mg. 200 mg डालोगे, डिजॉल्व करोगे, थोड़ी देर वेट करोगे, फिर डालोगे, फिर डिजॉल्व करोगे. यू विल वेट, यू विल रिपीट दिस स्टेप टिल यू गेट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, जहां आपका सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व होना बंद हो जाए. ठीक है, वेट फॉर हाफ एन आवर, फिल्टर द कंटेंट, नोट द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट जो नीचे आ गया है एंड डेजिग्नेटेड विद वी. देन ऑन द अदर हैंड चेक, टेक अ चाइना डिश, वे दैट चाइना डिश, add the filtrate into the china dish and heat the filtrate and note the weight of the china dish after whole of the solvent has been evaporated. In the observation you will write down volume of the solution jo initially aapne filter kiya tha. If that is vml, theek hai, weight of the empty china dish is xmg, weight of the china dish after evaporation of a solvent from the solution is ymg. रूम टेम्परेचर जो मैंने रिकॉर्ड किया वो मैंने लिख दिया. दिस विल कम अंडर योर ऑब्जर्वेशन. द नेक्स्ट थिंग विल बी योर कैलकुलेशन. व्हाट इज द वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ माय चाइना डिश विद द सॉलिड सोल्यूट माइनस वेट ऑफ माय चाइना डिश इज द वेट ऑफ माय सोल्यूट इन द चाइना डिश. है ना, चाइना डिश में मैंने फिल्ट्रेट डाला था, उसको मैंने हीट किया था, नीचे मेरा सोल्यूट बच गया था. चाइना डिश प्लस सोल्यूट की जो वेट था उसमें से मैं चाइना डिश के वेट को अगर माइनस कर दूंगी, आई विल गेट द वेट ऑफ सोल्यूट. सॉल्युबिलिटी इज द वेट ऑफ माय सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम व्हिच आई हैव ऑब्टेन्ड एज अ फिल्ट्रेट. सिंपल एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट विल कम रिजल्ट एंड डिस्कशन. यू विल राइट द रिजल्ट, द एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस एट द टेम्परेचर व्हिच यू हैव रिकॉर्डेड वाज फाउंड टू बी डैश mg पर ml. डोंट फॉरगेट टू ऐड दिस unit at the end of your solvent. In every practical you have to write sources of error. ठीक है, sources of error हम क्यों add करते हैं, ताकि we can justify के already reported जो मेरी solubility है drug की उससे मेरी reported solubility vary होने के क्या क्या reasons हो सकते हैं. Here I have written 2-3 reasons. You can think about more reasons and add into your finds. I have written weighing of the sample is not correct, temperature recorded has some errors, the time provided for the solution to attain saturation was also